कौन कब कहाँ कितना बदल गया ये मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि क्या आपको किस समय पर दे गया। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मित्रों, आज 30 सितंबर शनिवार का दिन है, महीने का आखिरी दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको बताएंगे कैसा रहने वाला है आज का दिन। आपको बताएंगे व्यापार के बारे में, करियर के बारे में, लव लाइफ और आपके स्वास्थ्य के बारे में कि आज कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आज ग्रहों की स्थितियां क्या रहेंगी, किस प्रकार से आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से उन्नति मिलेगी, आपके घर में परिवार में गृह क्लेश जो हो रहा है वो कैसे शांत होने वाला है, और कैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होंगी, धन की देवी माता लक्ष्मी जी किस प्रकार से आपके घर में आगमन करेंगी। इसी के साथ आपको बताएंगे आज के महाराशिफल के बारे में, आपको बताएंगे आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, कौन सी स्थितियां में आपको धन लाभ होगा, कौन सी यात्रा करना आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। मित्रों, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, शनिवार 30 सितंबर 2023 को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस तिथि पर रेवती नक्षत्र और ध्रुव योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शनिवार को अभिजीत मुहूर्त 11:47 से 12:34 तक रहेगा। वहीं राहु काल यानी अशुभ समय सुबह 9:12 से 10:41 तक रहेगा। ऐसे में राहु काल के समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित होता है। आज के दिन चंद्रमा मेष राशि में मौजूद रहेगी और ऐसे में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। मित्रों, चलिए बात कर लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। तो मित्रों, आज के दिन आपको भाग्य का सहयोग मिलने वाला है, नसीब आपका सुधरने वाला है, कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा गुजरेगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको कुछ शारीरिक कष्ट था तो उनके कष्टों में कोई कमी हो सकती है, शारीरिक कष्ट में कमी दिखेगी, लेकिन आप डॉक्टरी परामर्श लेते रहें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आपको आपके जीवन में इस समय काफ़ी बड़ा परिवर्तन भी दिखाई देने वाला है। वहीं नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। नवविवाहित इस समय बड़ा परिवर्तन भी देखेंगे अपने जीवन में, एक दूसरे के प्रति काफ़ी बड़ा संयोग देखने को मिलेगा। लव लाइफ में आपको काफ़ी सुंदर योग देखने को मिलेगा। वहीं आज जो है वो वक्री अवस्था में ग्रहों के होने की वजह से आपको कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आप यदि किसी पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई डील कर रहे हैं, तो आपको किसी भी विचार को करने से पहले, उन्हें फाइनल करने से पहले किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सलाह लेना जरूरी होगा। यदि आप जल्दबाजी में किसी कार्य को करोगे तो पार्टनरशिप वाला कार्य आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है, इसलिए आपको पार्टनरशिप में कार्य करने से पहले सतर्क रहना होगा। आज अभी आप जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी कार्य को कर रहे हैं, उनमें आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करना आपके लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपको पारिवारिक स्थितियों को बेहतरीन करने के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वहीं आपका कोई रुका हुआ कार्य भी पूरा होता हुआ दिखेगा, जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बैठकर संतान की समस्याओं को लेकर बातचीत करनी होगी। अगर आपका कोई संतान आपकी बातों में न आकर किसी और की बातों में रहता है, किसी और की बातों में आपको आपकी बातों को नहीं रखता है, तो ऐसे में उन पर भी विचार करने की ज़रूरत होगी और आप अपने जो भी आपका बालक है, बच्चा है, उसे आप अपने काबू में कर सकोगे। आप अपने घर के नए उद्घाटन कर सकते हैं, घर की स्थितियों में कोई परिवर्तन कर सकते हैं जिनमें आपको लाभ मिलने वाला है। आप किसी बात को लेकर खटपट कर सकते हैं, ऐसे में आपको अपनी वाणी पर सतर्क रहना होगा। आप किसी के बहकावे में आकर कोई भी कार्य या कोई भी कदम उठाने से बचने का प्रयास निश्चित तौर पर करें।
मित्रों के साथ आपके संबंध पहले से काफ़ी बेहतर होंगे, परंतु आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा। अगर आप किसी बिजनेस व्यापार की योजना को बना रहे हैं और अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आज का दिन काफ़ी शुभ रहने वाला है। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होंगी, कार्यक्षेत्र में काफ़ी बड़ा शुभ लाभ मिलेगा। आपको भाइयों का सहयोग आज मिलने वाला है। चंद्रमा के राशि परिवर्तन करने की वजह से आपको आज लाभ की प्राप्ति होगी और आपके रुके हुए कार्य भी बनने वाले हैं। मित्रों, आज के दिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी पिछली कुछ गलतियों के कारण इस समय बड़े विचलित मन में हो सकते हैं, बड़े भेद में पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको अपने अवस्था को देखना होगा। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। स्वास्थ्य आपको आपके जीवन में सतर्कता प्रदान करने वाला है। आज का दिन अगर देखा जाए आर्थिक दृष्टिकोण से, तो पहले से काफ़ी मजबूती लेकर आने वाला है। परिवार में आज किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। पारिवारिक स्थितियाँ काफ़ी शुभ होंगी। आज आपके कुछ समस्याओं के कारण, आपके कुछ गलतियों के कारण, पिछले दिनों हुई कुछ अपराध के कारण, आपके कुछ विरोधी, आपके कुछ जो आपसे जलते हैं, जलन की भावना रखते हैं, वह आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। उनसे आपको मतभेद करने से बचने का प्रयास करना होगा। अगर आप अपने पिताजी से किसी प्रकार का कोई वादा करते हैं, तो आपके किए हुए वादे को पूरा करना आपका कर्तव्य बन रहा है, परंतु कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनकी वजह से आप अपने वादे से मुकर सकते हैं या वादा पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। भाई व बहनों का पूरा साथ मिलेगा, भाई व बहनों का पूरा सानिध्य मिलेगा। किसी समस्या के समाधान के लिए आप अनुभवी व्यक्तियों से बातचीत कर सकते हैं। समस्या का समाधान आपको प्राप्त होने वाला है। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय की प्राप्ति होगी। पैसे कमाने के नए साधन मिलेंगे। पैसे तो आपके पास आने वाले हैं, परंतु आपको आपके पैसों का सही जगह इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़रूरी साबित होगा। पैसों को लेकर मन में किसी प्रकार के कोई गलत भावना या घमंड जैसी स्थितियां उत्पन्न न करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। आपके सामने कुछ ऐसे भी खर्चे आएंगे जो आपको मजबूरी में ना चाहते हुए भी करने पड़ सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ किसी पार्टी या फंक्शन में इनवाइट किए जा सकते हैं या फिर पारिवारिक स्थितियों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। जो लोग व्यवसाय में कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, उन्हें कुछ समय रुकना होगा, क्योंकि पैसों को लेकर आप इस समय लापरवाही न करें। मित्रों, आज का दिन आपके लिए एक तरह से सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। सतर्क रहने की भी ज़रूरत रहने वाली है। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।